6ix9ine Life देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की। बता दें राजू श्रीवास्तव को दिल्ली एम्स के हॉस्पिटल में एडमिट हुए आज पूरे 27 दिन हो चुके हैं। लगातार उनके लिए दुआओं का सिलसिला भी जारी है। उनकी बेटी ने जिस तरह से फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी कि बुखार उनका कम हो चुका है, इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसके चलते डॉक्टर्स ने अब 24 घंटों में एक बार राजू श्रीवास्तव के पूरे परिवार को उनसे मुलाकात करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले डॉक्टर्स ने सिर्फ उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव को 24 घंटों में एक बार मिलने की इजाजत दी थी। इसमें भी वो राजू श्रीवास्तव के पास नहीं जा सकती थी, सिर्फ उन्हें आईसीयू रूम में दूर से देख सकती थी। लेकिन जिस तरह से अब ये बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिली, ऐसे बीच लगातार सोशल मीडिया पर राजू श्रीवास्तव के लिए दुआओं का सिलसिला चल रहा है। राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव के घर पर लगातार 5 महंत हैं जो पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों में उनके लिए हवन पूजन हो रहा है। काफी बड़ी बात हो जाती है कि राजू श्रीवास्तव बीते 27 दिनों से दिल्ली एम्स के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी हालत में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। कभी फैंस को एक खबर मिलती है कि उनका ब्रेन पूरी तरह से डेड हो गया, तो कभी उन्हें ये खबर मिलती है कि राजू श्रीवास्तव को होश आ गया। लेकिन खबर चाहे जैसी भी आई, फैंस ने अपने कॉमेडियन का साथ एक पल के लिए नहीं छोड़ा और शायद उसी का आज ये फल मिल रहा है कि राजू श्रीवास्तव की हालत में एक बार फिर से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बीते यहाँ पर अगर कहीं बीते सोमवार को फैंस को उनकी बेटी ने ये तोहफा दिया, ये बताकर कि जब वो अपने पिता से मिलने गई तो उनके पिता ने आंखें खोली, धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश की, तब से सोशल मीडिया पर दुआओं का सिलसिला और तेज हो गया है। लगातार #राजू श्रीवास्तव स्पीडी रिकवरी ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर। तो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि राजू श्रीवास्तव के फैंस अभी भी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें भरोसा है कि उनका कॉमेडियन एक बार फिर से वापस लौटेगा और अपनी हंसी ठहाकों से फिर से उन्हें हंसाएगा। अब फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।